मरियम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद फैमिली। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पे, मेरे एक बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि हमें पसंदों की रेसिपी दे दें, तो उस वजह से मैं उनके लिए बना रही हूँ। जबकि अभी दो चार दिन पहले ही मैंने बनाया था तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन अब मैं दोबारा उनकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ, तो पसंदे मैं आपको बताना बताऊँगी। ठीक है, तो उसके लिए ले लेते मैंने आधा किलो पसंदे, ये गोश वाले से ही मैंने बनवा लिए थे, ये देखें इस तरीके से, यानी कि पार्ट से बनवाए थे। ठीक है, आधा किलो थे मेरे पास, बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक ये देखें बने हुए, कितने अच्छे बड़े बड़े इस तरीके से बना लिए थे मैंने, आधा किलो के करीब हैं ये। और अब इसको मैरिनेट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जो मसाले शामिल होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब एक बाउल ले लेंगे, ठीक है, हमने एक बाउल ले लिया था जिसमें हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम 1 पाव दही, ठीक है, 1 पाव इसमें डाल देंगे हम दही। और इसके अंदर डल जाएंगे सारे जो मैंने आपको मसाले बताए थे, सारे मसाले डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती हैं सिर्फ, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास हों तो डाल लें, अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं स्किप कर दें, उसके बगैर भी अच्छा बनेगा ये। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पूरा इसको, मसाले को दही के अंदर, कि सब जगह इसमें ये मसाला लग जाए अच्छी तरीके से पसंदों के अंदर। और सबसे अहम बात ये है कि हमने इसको मैं लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी, जब भी ये अच्छा मज़े का बन के रेडी होंगे। आराम से आप उन्हें कम से कम 1 घंटा तो लाजमी रखना है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये सारे डाल देंगे पसंद है। ये देखें इस तरीके से मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जब तक मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, आप फटाफट जाएं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देख सारे डाल ली हैं अच्छी तरीके से, अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि जितना भी सारा मसाला है इसके ऊपर लग जाए। देखें खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, बस ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ये देखें अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो गए हैं, 2 से 3 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर से प्याज को फ्राई करा, 5 मिनट प्याज नहीं थी दरमियाने से इसकी, इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था, जैसे फ्राई करते हैं प्याज, और उसको उस तरीके से चूर लिया है हाथों से। ठीक है, अब ऑयल जिसमें हमने प्याज डाल करी है इसको गर्म करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, इसको डाल देंगे, खुशबू आएगी थोड़ी सी। देखिए अच्छी तरीके से लौंगों की और इलायची की खुशबू आ रही है, अब इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमारा पसंदे थे मैरिनेट हुए हुए, ये डाल देंगे सारे। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालेगा, ये अपने ही पानी छोड़ेंगे। ये देखें
अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। पतले पतले से ही पारसे होते हैं तो ये यूँ ही गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेता इसको गोल को गलने में, ठीक है। बस ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, नहीं टूट सकते हैं, ये टूट भी सकते हैं। अब ढकना ढक के रख देते हैं, अपने पानी में अच्छी तरीके से गल जाएंगे और फिर जब गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी बुनाई कैसे करनी है। अच्छे तरीके से हमारा गल गया था, अब इसकी खूब बुनाई करेंगे हम अच्छी तरीके से कि कच्चापन ना रह जाए। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर ली है हमने गोश्त की, देखिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो तली हुई प्याज थी, ये डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि प्याज फूल जाए। प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से फ्राई कर ली है, अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी हलवे का, ठीक है। बस अब इसको ढकना ढक के रख देंगे ढकना दम पे। बस फिर इसके बाद ये रेडी है, देख रहे हैं कि हमारा ज़बरदस्त से पसंदे बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।